अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हाजिर खिदमत है परवेज संधीला। सियासी वर्कर किसी भी पार्टी का हकीकी असासा होते हैं। नजरियाती सियासी वर्कर ही सियासी जमातों को एक तहरीक में तब्दील करते हैं। ऐसी तहरीक जो एक नजरिए की बुनियाद पर किसी भी शऊर की बेदारी में नहायत अहम करदार अदा करती है। तारीख गवाह है, बड़ी सियासी जमातों ने अवाम के दिलों में जगह तभी बनाई जब इसके नजरियाती सियासी वर्कर ने अपना करदार अदा किया, किसी बहरान का डटकर मुकाबला किया, दरिया की मौजों के बरअक्स चलकर हक और सच का साथ दिया। पाकिस्तान की तारीख में सियासी वर्करों के ऐसे करदार बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने जमहूरियत असूलों और पार्टी के नजरिए की खातर कुर्बानियां दी, मुश्किलात बर्दाश्त की, जेलों में गए, आमरों के सामने मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने के लिए सीसा प्लाई दीवार बने। आज एक ऐसे ही सियासी वर्कर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने जमाना तालब इल्मे से ही मुस्बत सियासत की। फक्त 16 साल की उम्र में 1974 में खत्मे नबुवत के नन्हे मुजाहद की हैसियत से पहरा देते हुए जख्मी हुए, डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, डिक्टेटरशिप से तंग आकर फ्रांस चले गए, कामयाब बिजनेसमैन बने, पेरिस में एक मुनफर्द अंदाज में कारोबार का ट्रेंड मुतारफ करवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तानी कारोबार के लिए खिदमात सरंजाम दी। दर्द दिल रखने वाले इंसान खुदा की मखलूक को दुख देना इनके लिए नामुमकिन है। नवाज शरीफ से बेहद मोहब्बत करते हैं, नजरियाती वाबस्तगी की हद देखिए। जिए नवाज शरीफ तहरीक चलाई जिसकी सरबराही बेगम कुलसूम नवाज ने खुद की। इस तहरीक ने जो नजरियाती जंग लड़ी वो तारीख में रकम है। मुस्लिम लीग नून और क्यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कोई नई बात नहीं है। जब वट्टू की हुकूमत ने कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर की दीवारें गिराई तब उन्होंने कायद से मोहब्बत और असारे यकजहती के लिए भूख हड़ताल की। कायद ने भी इस मोहब्बत की कीमत अदा की, लाहौर में बुलाया, अपने हाथों से जूस पिलाया और भूख हड़ताल खत्म की। जनाब ये तो कुछ भी नहीं, डिक्टेटर मुशर्रफ के जुल्म सितम के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। बेगम कुलसूम नवाज के शाना बशाना जमहूरियत की बका की जंग लड़ी, मियां वाली जेल काटी, जेल में थे, वालद के मौत की खबर पहुंची, दास्तानें बहुत हैं। तमाम चीजों का जिक्र किया जाए तो ये हो नहीं सकता। शेखपुरा से मुस्लिम लीग नून के हकीकी नजरियाती वर्कर जनाब आरिफ खान संधीला साहब का जिक्र ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह जी, क्या हाल चाल है? खैरियत ठीक ठाक है जी? आप सुनाए परवेज भाई, ठीक ठाक है, खैरियत है माशाल्लाह। मुबारक हो, आप बड़ा मिशन, अजीम मिशन लेके चल रहे हैं जी। बस शुरू करेगा और कामयाबियां मिलेंगी इंशाल्लाह। जी जी जी, बचपन से आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि कामयाब होंगे किसी दिन इंशाल्लाह। भाई जो हुए हैं जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा आप जी बिल्कुल, आप लाइव हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आप पहले तो आपके टाइम का शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया जी। मेरे लिए ये बड़ी इज्जत अफजाई की बात है, मैं आपकी सलाहियतों का बड़ा मोहतरफ हूँ और पार्टी के साथ मियां नवाशी साहब के साथ असूलों के लिए और पाकिस्तान की नजरियाती और पाकिस्तान की समझ लें कि नजरिए को उजागर करने के लिए आपके जो काफिशें हैं, आप जैसे नौजवानों की, हम लोग उन्हें सलाम पेश करते हैं जी। जी जी जी, शुक्रिया, आपके अल्फाज मेरे लिए काबिले इज्जत हैं जी, इहतराम के। सबसे पहले तो आप एक सवाल यह है कि सबसे पहले तो आप एक मिसाली वर्कर हैं, तमाम जमातों के लिए रोल मॉडल हैं, ये इतना हिम्मत और हौसला कैसे आया, कैसे ये इतने एक मिसाली वर्कर बने आप? इसमें कोई बस ये कुदरत की तरफ से एक मेहरबानी होती है, अल्लाह ताला एक फितरत और एक नेचर और कुछ आदतें कुछ सिफात अल्लाह की तरफ से अता होती हैं। तो ये मैंने 72-73 में जब मैट्रिक किया गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा से, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज शेखपुरा चले गए, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ज़माना था। तो मैं अब तो उनकी ज़ात का बड़ा मोतरफ हूँ कि उनके कुछ ऐसे कारनामे हैं जो पाकिस्तान में बड़े कदर की नज़र से देखे जाते हैं। उन्होंने जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान आज जो एटमी कुव्वत है उसकी बुनियाद और आगाज़ उन्होंने शुरू किया।
फिर और भी, और आप या मेरे जैसे लोग जो बाहर के मुल्कों में मजदूरियों के लिए गए या इसमें, वो भी रस्ते भुट्टो ने काफी हद तक खोले थे, और जुल्फिकार अली भुट्टो के भी बड़े खिदमात हैं मुल्क के लिए। लेकिन उस जमाने में हम एंटी भुट्टो हुआ करते थे, तो उस दौर में भी बड़ी जुल्म ज्यादतियाँ होती थी। तो तहरीक खत्म नबूवत, क्योंकि हम, आप जानते हैं, हम मज़हब से एक कुदरती लगाओ, फितरती लगाओ, और हम मुसलमान हैं, हमारा माहौल कुछ ऐसा था। तो हम कॉलेज में जब गए, मैं कॉलेज यूनियन का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, तो कॉलेज में जब गए तो ये 1974 में तहरीक खत्म नबूवत शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला ने बस एक स्टेज पे कुछ बात करने का हौसला या कुछ सलाहियतें कुदरत की तरफ से मिली थी। तो मैं बड़ी 16 साल की उम्र में भी स्टेज पे, उस वक़्त के जो लोग थे उलामा इकराम और जो लीडर थे बड़े बड़े, वो मुझे स्टेज पे बात करने का मौका देते थे। तो ये शिवपुरा के जब ये एहतजाजी मुजाहरे हुए, तो एक एहतजाज में मैं स्पीच कर रहा था जी। तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें मैं शदीद जख्मी हुआ और जख्मी हालत में मुझे गिरफ्तार किया गया। तो ये एक रिकॉर्ड की बात है, और शिवपुरा के लाखों लोग जो उस वक्त क्या मौजूद हैं, कि मैं जब जख्मी हॉस्पिटल में था तो उस वक्त मेरे हाथ को हथकड़ी लगी हुई थी और मुझे हॉस्पिटल के बेड के साथ बांधा गया था। तो ये एक, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से, ये करम नवाजी अल्लाह की तरफ से, कि कुदरत ने आपने अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए जो थोड़ा बहुत हमसे हो सका, ये अल्लाह ने ये मौका दिया, तो ये बड़ी फख्र की बात है। फिर उसके बाद तो सिलसिले चल पड़े जी। खत्म भुट्टो साहब के जमाने में सुबह शाम अक्सर जेलों में आना जाना। आपका जो नजरिया है ना, आपका जो नजरिया है वो बहुत पुख्ता है। आप अपनी बात पे डट जाने वाले, तारीख हमें 35 साल की ये बताती है कि आपका नजरिया डिक्टेटर के सामने आप डट गए, और इस नजरिए की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग नजरिया, मतलब कि बचपन से चीज आपके अंदर आ रही थी। रोल मॉडल कौन बने आगे जाके आपके? बस इसमें प्रवेश साहब कोई ऐसा मैं मुझे नहीं याद पड़ता, बस ये अल्लाह की तरफ से कर्म नवाजियाँ होती गई। और वो एक ज़माना था जिसमें बड़े लीडर थे और बड़े बड़े लोग थे, नज़रियाती लोग थे। आज तो वो बातें नहीं रहीं, लेकिन उस ज़माने में हम बड़े बड़े लोगों को जब देखते थे जो नज़रियों के लिए, असूलों के लिए, मुल्क की असास के लिए, मुल्क की बकाव सलामती के लिए अजीम जद्दोजहद कर रहे थे, तो उन लोगों से मुतासर होते हुए हम लोग भी उनके शाना बखियाना चल रहे थे, उनकी औलादों जैसे थे। लेकिन बात तो कहने वाली है कि उस ज़माने में अब चौरी जोर लाई थे, मौलाना मुफ्ती महमूद थे, ये नवाबजादा नसरुल्लाह खान जी, बिल्कुल 1977 की जो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा थी, उसमें मैं फख्र से कह सकता हूँ कि नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साथ मार रोड पर हम जो लोग लाठियां खा रहे थे, मैं भी उनमें शामिल था। तो ये बस मुझे नहीं याद पड़ता कि ये कैसे, कुछ अल्लाह ने फितरत ऐसी दी या कुछ ऐसे चलते चलते ये सारा कुछ होता चला गया। मैं कॉलेज यूनियन का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, जनरल सेक्रेटरी बना, कुदरत ने फिर प्रेसिडेंट बनाया यूनियन का। और लेकिन चाहे वो भुट्टो साहब के ज़माने थे, चाहे वो सदर ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने थे, अब उनके दौर में भी जेलों में रहे। तो जब सदर ज़िया के दौर में ये स्टूडेंट्स यूनियन जो थी उन पे पाबंदियां लगी, तो एजिटेशन चली, तो मैं एक स्टूडेंट साहब का स्टूडेंट लीडर की हैसियत से उस मार्शल लॉ के भी खिलाफ था, और उसने मुसीबतें भी उस जाने में भी उठाई। तो फिर हालात ने एक मौका दिया, तो पेरिस में कुदरत ने पहुंचा दिया, फिर वहां सेट कर दिया। जी जी जी। अच्छा ये बताएं कि ये मुल्क से पहले तो ये बताएंगे कि जो मुल्क से आप बाहर चले गए, ये 1984 की बात है गालबन, आप मुल्क से बाहर चले गए। पहले तो आप ये बताएं कि मुल्क से बाहर आप चले गए, उसकी जाने की वजह क्या बनी, और फिर ये बताएं कि वापस आने की वजह क्या बनी। जाने की वजह कोई ऐसे तो नहीं, कोई समझ लें कि एक तो हम जब ये स्टूडेंट सरगर्मियों बैन हुई, तो हम लोगों पर मार्शल लॉ के मुकदमे बने, उससे पहले हमें जेलों में भी रखा गया। फिर समझ लें कि एक मार्शल लॉ के एक फस्ताई दौर था, जैसा भी था, तो उसमें हमारे जैसे वर्करों के लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया, जेलें कैदें और बड़ी मुसीबतें हमने उठाई। तो बचपन के ज़माने थे, तो बस ऐसे एक फैसला हुआ दिल में आया, या कुछ जानने वाले लोग पेरिस फ्रांस में थे,
तो उनकी तरफ से ऐसा हुआ, तो बस वो मुकदमे बने हुए थे। एक तो सच पूछे मार्शल लॉ दौर में, सदर जिया के दौर में भी, भुट्टो साहब के जमाने में भी और सदर जिया के जमाने में लातदाद मुकदमे हम पे बने होते, हर रोज जेलों में होते थे। ये किसी सूरत भी हम मार्शल लॉ को पसंद नहीं करते थे, ना इससे समझौता होता था, क्योंकि मार्शल लॉ मुल्क की साख और बुनियादों को हिला देता है। मार्शल लॉ किसी भी माशी, ये जबर का दौर किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं होता। जमहूरियत डेमोक्रेसी ये हमारे इस्लाम के भी बड़ी करीब है, और डेमोक्रेसी में इंसान को अपने जज्बात के इजहार का मौका मिलता है। और जब भी देखें, जब कभी भी मुल्क पर मार्शल लॉ नाफज हुए, तो जहरी तौर पर जो कुछ मर्जी दिखाया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़े बड़े या पाकिस्तान के लिए अजीम काम हुए हैं, तो वो कैदे आजम मोहम्मद अली जनाह से लेकर मियां नवाज शरीफ और उससे पहले और उस बाद में, वो जमहूरी दौर में ही हुए हैं। तो बस एक फितरी तौर पे कुछ मार्शल लॉ को ज़ेन और ज़मीर बनना बचपन में ना आज कभी एक्सेप्ट ही नहीं दिल नहीं किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि मुशर्रफ के दौर में आपको बहुत सारी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोई आबीती शेयर करेंगे? कोई मुशर्रफ के दौर में आपको कोई आबीती जो सुनने वाले आपके मुंह से इतनी ज्यादा तकलीफें उठाई आप, आबीती शेयर करेंगे जी? इसमें एक और था कि 1999 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, चूंकि पेरिस से आना जाना तो ये एक रहता था, तो उन्होंने मुझे वजीर आजम माडी टेक्सटाइल पंजाब का चेयरमैन बना दिया। जी। तो अभी वो चंद दिन के लिए वो आजादी होता था जी। तो मुल्क में मार्शल लॉ आ गया। अब हमारे लिए दो रास्ते थे, एक रास्ता ये था कि पेरिस की हसीन वादियों की तरफ लौट जाएं, दूसरा ये था कि मार्शल लॉ है और इस सूरत में किसी सूरत भी हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरे लिए परवेज साहब एक बड़ी फख्र की बात है। मैं बिल्कुल ये बबांगे दो ये एक बात कह रहा हूँ कि परवेज मुशर्रफ आम रियत को पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले चैलेंज करने का आजाद मुझे मिला। और उस जमाने में टीवी और ये वो चीजें नहीं होती थी, लेकिन उस जमाने के बड़े जो मारूफ अखबार हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि मुशर्रफ आम रियत को सबसे पहले चैलेंज करने का आजाद मिला और डंके की चोट पे कहा कि हम किसी सूरत मार्शल लॉ को इस मुल्क पे मुसल्लत होते हुए ना पसंद करते हैं, ना 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 इसे बर्दाश्त करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क को कौम के लिए जो कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में जो करदार है, मोटर वे और मुल्क की खुशहाली और बेहतरी के लिए उनके जो अजीम खिदमात है, हम किसी सूरत अपने लीडर का साथ भी नहीं छोड़ेंगे। और जमहूरियत के लिए उनकी जो जद्दोजहद है, हम उसमें शाना बशाना उनके साथ होंगे। बस फिर उसके बाद अजीतें थी, जेलें थी, कैद खाने थे, मुसीबतें थी, लेकिन ये तो एक बचपन से आदत भी थी, तो ना हमने सर झुकाया ना सर झुकाना था। तो उस दौर में एक बड़ा 2004 में एक पॉलिसी तय हुई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान की जलावतनी में, जब मियां नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती जलावतन कर दिया गया, तो एक असूल तय हुआ था कि मियां नवाज शरीफ से अवाम का राबता होना चाहिए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अवाम के हर दिल अजीज लीडर हैं, लोग उन्हें बहुत चाहते हैं उस वक्त भी और आज भी। जी बिल्कुल, तो पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा और लोग उन पर एतमाद करते हैं और उन्हें समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ ही इस पाकिस्तान की तकदीर और बका के असल निगाहबान है। तो वो जिला शेखपुरा के हवाले से तय हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन खिताब मेरी रहशगा मेरे घर पे हुआ। यहाँ पे हजारों कारकुन और मुस्लिम लीग के जो भी उस जमाने के लोग मौजूद थे वो यहाँ पे सारे मौजूद थे। तो मुझे उस वक्त बड़ी कोशिश की गई कि मैं ये टेलीफोन खिताब ना करवाऊँ, लेकिन ये तो किसी सूरत हो ही नहीं सकता था। डराया गया, धमकाया गया, खौफ ज़दा किया गया, ये होगा वो होगा, इन चीज़ों को ना कभी पल्ले बांधा ना कभी परवाह थी। बहरहाल मैंने वो टेलीफोन खिताब करवाया और वो बड़ा कामयाब हुआ। अगले दिन जब सुबह का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था, तो पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया और मुझे मियाँ वाली जेल 90 दिन के लिए ले गए। 90 दिन गुजरे तो फिर वो जो आर्डर था 90 दिन के लिए मजीद एक्सटेंड हो गया। तो मैं मियाँ वाली जेल में था, मेरे वालिद साहब को कैंसर था, उम्र रसीदा थे, मैं जेल में था, मेरे फादर की डेथ हो गई। अब मुझे वहाँ पे इन्होंने इमारतें सहूलतें ना जाने क्या क्या ऑफरें की, लेकिन मैं फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मैंने इनकार किया। और इन्होंने कहा कि अगर तुम हमें लिख के नहीं दोगे, तो मैंने कहा जब आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया तो क्या मुझसे कोई लिखवाया था? जो सियासत में या सियासी कारकुन या जेलों से जो लोग लिख कर बाहर आते हैं, वो एक तरह का माफीनामा ही होता है।
तो मैंने कहा मैं किसी सूरत माफीनामे की सूरत पर रिहा होने से इनकार करता हूँ। अगर मैं माफीनामे की सूरत में रिहा होकर अपने वालिद के जनाजे में भी शामिल होगा तो मेरे बाप की रूह ऐसी नहीं होगी और मेरे लीडर का सर नहीं झुक जाएगा। तो बहरहाल ये फिर मुझे पैरोल पे 3 दिन के लिए हथकड़ियों में शेखपुरा लाया गया और मैं वालिद के जनाजे में, बल्कि मुझे वालिद का जनाजा नसीब ही नहीं हुआ था। मुझे जब लाया गया तो रात के 2 बजे थे और सिर्फ कब्रिस्तान में मेरा इंतजार हो रहा था और मैंने अपने वालिद का चेहरा मोबाइलों और टार्चों की रोशनी में देखा। पाकिस्तान के कब्रिस्तान में, आप तो हॉलैंड में है या मैं पेरिस रहा, तो वो जमाने तो अंधेरों के जमाने थे। ये तो मियां नवाज शरीफ का कारनामा है पिछली हुकूमतों में, जो उन्होंने आके ये जो थे अपना बिजली के जो बहरान थे और जो अंधेरे थे उन्हें खत्म किया। तो पाकिस्तान के कब्रिस्तानों की जो हालत है या शहरों की जो हालत थी मियां नवाज शरीफ के आमद से पहले, लाइटें नहीं होती थी, जो अंधेरे थे, तो पाकिस्तान के कब्रिस्तानों की तो क्या हालत थी। तो मैंने मोबाइलों और टार्चों की रोशनी में बैटरी, जो सेलों वाली बैटरी है, अपने बाप का चेहरा देखा और उन पे उनकी कब्र पे मिट्टी डाली। लेकिन ये तो फिर होता है इस तरह के कामों में, जब आप इंसानों के सामने को मकसद होते हैं, को मिशन होते हैं, फिर कुर्बानियां तो देना पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। एक छोटी सी बात मुझे ये बताएं, जब 99 में मुशर्रफ ने मार्शला लगाया था तो उस वक्त 12 अक्टूबर की गालबन बात है, 13 को अखबार नहीं छपे थे, लेकिन 14 के अखबार में आपका एक इश्तिहार आ गया था जो मुशर्रफ के इसके मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद भी मुशर्रफ ने मतलब कि उसके बाद भी जेल डाला गया था आपको। बस ये एक था कि एक उस जमाने में एक कदगन लग गया प्रेस पर, कदगन टेलीविजन वगैरह तो होते नहीं थे, तो आप ये था कि हमें अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है। तो उस जमाने में ये मैंने एक इश्तिहार दिया जो नवाए वक्त और गालबन खबरें में भी छपा था कि भाई, जिसमें यही था कि हम परवेज मुशर्रफ की आमरियत को मानने से इनकार करते हैं, और उसमें लामहल्ला यही जुमले थे कि मियां नवाज शरीफ की मुल्क कौम के लिए जो खिदमात हैं हम उसका एतराफ करते हैं, कौम एतराफ करती है, और हम उनकी जमहूरियत की बहाली के लिए जो भी जद्दोजहद होगी हम उनकी शाना बशाना खड़े होंगे। तो इस बात पे फिर अगले दिन 14 अक्टूबर का जो 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 दिन था वो मेरे घर को पुलिस ने घेरा हुआ था। तो बस उसके बाद तो फिर जेलें थी, कैद खाने थे, और बस सिलसिले चलने शुरू हो गए। ये सिलसिले चलते रहे, बिल्कुल ठीक। और फिर बेगम कुलसूम नवाज, जी जी उस तरफ आता हूं, वो हमने वो बेगम कुलसूम नवाज साहब वाली एक पूरी तारीख है, वो हमने आपसे सुनी है। मेरे जो सुनने वाले हैं वो बड़े इश्तियाक हैं क्योंकि आपने इतना ज्यादा टाइम था। उससे पहले कि मैं बेगम साहब की तरफ, मुझे पता है कि एक बहुत नारा है जो बड़ा पाकिस्तान का मकबूल नारा है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम आपके साथ हैं। आप इस नारे के बानी है, कुछ इस नारे के बारे में बताएंगे थे, ये कब आपके दिमाग में आया, जेहन में आया, कहां बैठ के लिखा और कैसे अवाम तक ये पहुंचा? ये ऐसे था कि उस वक्त बेनजीर साहिबा ऊपर इस्लामाबाद में वजीर आजम थी और पंजाब में मंजूर भट्टू साहब की हुकूमत थी, तो तहरीक निजात चली। तो मैं चूंकि आए रोज अखबारों में इश्तिहारात और इस तरह के बड़े वाजे और बड़े खुला मियां नवाज शरीफ के हमायत और जो मंजूर भट्टू की मुखालफत में कहा करता था ये है वो है, तो बहरहाल इन्होंने तहरीक निजात चली। तहरीक निजात में मैं समझता हूँ कि यह मैं पहला या दूसरा बंदा फर्द हूँगा तहरीक निजात से पहले जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब तहरीक निजात का जिस दिन आगाज हुआ तो उस दिन मैंने शेखपुरा जेल से एक खबरें अखबार के फ्रंट पे एक एड लगा था जिसके ऊपर लिखा था, चूंकि मैं तो बेबस कैदी था, मैं तो जेल में था, लेकिन मुझे अपने जज्बात का इजहार करना था, तो मैंने लिखा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसके बाद भी आपकी ये जद्दोजहद क्यों जरूरी है उसकी वजाहत करके तो नीचे लिखा था मोहम्मद आरिफ खान संदीला हाल मुकीम डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा। तो ये एक रिकॉर्ड और फखर की बात है कि ये जो नारा इस वक्त तकरीबन तमाम जमातों ने अपना लिया है। ये नारा असल में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए था और ये मेरे जैसे वर्कर के लिए, जैसे आज तक ये पता नहीं चला कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहले कैद आजम किसने कहा था। बिल्कुल तारीख में उस बेचारे गुमनाम सिपाही का, उस गुमनाम वर्कर का कोई पता नहीं है किसी को। बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना को जो बाबाए कौम है, जो मोसने कौम है, जो बानिये पाकिस्तान है,
उन्हें सबसे पहले कैद आलम किसने कहा था। तो इसी तरह आज ये जो नारा है, हर जमात के वर्कर जो ये अपने जलसों में, जुलूसों में, अपनी क्यादतों के इस्तकबाल में या अपने जज्बात के इजहार के लिए, लेकिन ये मेरे लिए एक फख्र की बात है कि ये जब मंजूर भट्टू की वो तरीके निजात चली थी उसके खिलाफ, तो उस वक्त शिवपुरा जेल से मैंने ये खबरें अखबार के फ्रंट पे जो ऐड छपा था, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो मैंने लिखा था कि मैं उस वक्त मोहम्मद आरिफ खान संधीला हाल मुकीम डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा। अच्छा जी, क्या बात है। तो जेल में बैठ, समझ लें कि ये नारा इतना मारूफ है, ये बिल्कुल 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 भी ये सुना जाता है। और जेल में बैठ के आपने अखबार में इश्तहार दिया। हम लोग बचपन से आपके जो पूरे पूरे सफ़े के अखबारात पे इश्तहार होते थे वो देखते आए थे। और खुशी की बात यह है कि मेरे ख्याल में, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, तो कालाशाह काकू मोटरवे का इफ्तिताह करते हुए कायदे मोहतरम ने आपका हाथ पकड़ कहा भी था ये आरिफ खान संधीला साहब है जो अखबारों में इश्तहार दे दे के इश्तहार देते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे वो जो उन्होंने कहा था वहां पे जी। इश्तहार दो तरह, एक होती है एक मदा सराई बे मकसद जी हजूरी चापलोसी, एक वो होती है, एक वो होती है कि एक वर्कर अपने जज्बात का इजहार कर रहा है और उसके एक एक लफ्ज। अच्छा, एक प्रवेश साहब और भी है, तो मैं अगर ये पॉलिटिक्स में ना जाता या पेरिस ना जाता तो आज मैं साफी होता। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एम ए जर्नलिज्म में दाखिला भी लिया था, लेकिन ये मेरा सिलसिला जरा अधूरा ही रह गया। तो उसमें ये था कि मुझे इससे भी एक लगाव है और कुदरत ने, कुदरत की तरफ से ये एक अनायत है मुझ पर कि मैं थोड़ा सा कलमकार भी हूँ, मेरे बाजुकात छोटे मोटे मामलात पर मेरे कालम भी छपते रहते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और लिखने का भी मुझे एक शौक है, तो मैं जो मेरी जो तकरीरें होती हैं वो भी मेरी अपनी तैयार करदा होती हैं और मेरे जो ये जो इश्तहारात हैं वो भी मेरे अपने जज्बात का इजहार होते हैं। लेकिन मेरे एक एक लफ्ज में खुदा के फजल से हुब्बुल वतनी जो झलकती है, अपने कैद के लिए मोहब्बत झलकती है और पाकिस्तान के लिए मेरे दिल में जो एक मोहब्बत के समंदर हैं वो उनके इजहार होते हैं मेरे। मैं जब फ्रांस में था, जब मैं फ्रांस में था तो वहाँ से भी मैं नवाज शरीफ साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अखबारों में इश्तहार और ऐड दिया करता था। लेकिन पहले दिन से लेकर आज के इस लम्हे तक, और इन इश्तहारों की बिना पे मुझ पे ना जाने कितने जुल्म ज्यादतियाँ भी हुई, ये कैद खाने, मुसीबतें, ये सारा कुछ। इसकी एक वजह यह भी थी कि मैं डंके की चोट पर जो मेरे दिल में होता था मैं उसका इजहार करता था। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल। नहीं है कि मैं वो अखबार में एक ऐड दिया है तो उसमें जी हजूरी है, चापलोसी है, उसमें बेमकसद बातें हैं। वो एक नजरिया होता है, एक व्यू होता है, एक चाहत होती है, खलूस होता है और मेरे लफ्ज लफ्ज में खुदा के फजल से मेरा एक एक लफ्ज इस बात की गवाही देता है कि मैं खुदा के फजल से मुहिब्बे वतन हूँ, मैं खुदा के फजल से पार्टी का एक वर्कर हूँ। अब ये पिछले दिनों जब इलेक्शन हुए मुझे टिकट भी ना मिला तो लोगों ने कहा कि यार संधीला साहब आप तो मियाँ साहब के इतने करीब और आपने इतनी जेलें और कैदें उठाई तो टिकट। मैंने कहा फिर क्या हुआ, मेरा जमात से तल्लक टिकट का तो नहीं है ना नवाज शरीफ से मेरा रिश्ता टिकट का है, पता नहीं मेरी जमात की क्या मजबूरी और मसलत होगी, तो फिर क्या है, हम पहले से बढ़ के बिल्कुल अपनी जमात के साथ हैं, अपने लीडर के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और जमहूरियत के साथ हैं और अपनी आवाम के साथ हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बेलौस मोहब्बतें, बेलौस रिश्ते। बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ी सोच है जी, बहुत बड़ी सोच है। अगर हर सियासी वर्कर की ये सोच हो तो कोई जमात कहीं से हार ही नहीं सकती। अच्छा ये बताएं कि वट्टू हुकूमत ने जब कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर की दीवारें गिराई मॉडल टाउन की, आपने उस वक्त भूख हड़ताल की, क्या इसके अलावा भी नून लीग के लोगों ने भूख हड़ताल की, और फिर भूख हड़ताल के बाद आपने कितने दिन खाना नहीं खाया और आपको कायदे मोहतरम ने लाहौर घर पर बुलाकर क्या कहा आपसे? ये एक इत्तेफाक प्रवेश साहब समझे कि मैं फ्रांस पेरिस से, ये गालबन 1992 या 1993 की बात, जी 93 की बात है गालबन, मंजूर भट्टू की हुकूमत थी, तो मैं फ्रांस से पाकिस्तान ये बड़ी ये ईद उज़ा इस पे आया हुआ था। तो एक दिन मैंने सुबह अखबार में देखा कि मियां नवाज शरीफ के घर के जंगले तोड़ दिए गए, तो मैंने समझा कि ये तो बात ज़ात-ए-आत तक आ गई है,
तो मुझे था कि आज पाकिस्तान में एक कोहराम मचेगा कि यार ये साथ तक, लेकिन मुझे मेरे अपने जज्बात का इजहार करना था और मैंने एहतजाज की सूरत में शेखपुरा का जो आजादी चौक है वहां तने तना मैंने ये एहतजाज किया और भूख हड़ताल पे। तो अब अखबारों वाले आ गए, ये साफी भाई आ गए, इन्होंने कहा कि संदीला साहब ये भूख हड़ताल अलामती है या तामरग। तो मैंने कह दिया तामरग, और ये मैंने कहा कि उस वक्त तक रहेगी जब मियां नवाशी साहब खुद ये भूख हड़ताल खत्म नहीं करवाएंगे। तो मैं एहतजाज पे बैठ गया। अब गर्मियां थी, मैं पेरिस 16 मुद्दतों के बाद पाकिस्तान आया, वहां के मौसम और पाकिस्तान के मौसम और यहाँ के गर्द और मिट्टियां, लेकिन ये धरती से मैं प्यार है, मैं जमीन पे बैठ गया। तो कुछ लोगों ने आग ऊपर शामियाना लगा दिया, गर्मी का मौसम था। दो दिन के बाद मैं नींद बेहोश हो गया। तो उस जमाने के जो डॉक्टर थे बाबर अमीन साहब, उन्हें बुलाया गया, उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई। तो जब मुझे थोड़ी सी होश आई तो मैंने हाथ मारा तो खून बहना शुरू हो गया। अब तो टेलीविजनों पे ना जाने क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन कुछ कुछ होता ही नहीं। उस जमाने में अखबार के में छपने वाली एक खबर लीडर को बड़ा मुकाम देती थी या उसे पस्तियों में डाल देती थी। तो जब अगले दिन अखबारों में मेरी वो तस्वीर छपी जिसमें मेरे ऐसे कलाई से खून बह रहा था, तो मियां नवाशी साहब ने यहाँ के मुकामी MNA महमूद अकबर खान उनसे रब्ता किया, भी संदीला साहब तो पेरिस होते हैं, क्योंकि मेरा मैं 84 में पेरिस चला गया था और मियां नवाशी साहब बाकायदा तौर पर 1985 में पॉलिटिक्स में आए थे। लेकिन जिस तरह चूंकि मैं फितरतन मेरा रुझान मुस्लिम लीग ही था और मैं दाएं बाजू की सियासत का पैरोकार था, तो जहां एक करोड़ों लोगों को मियां नवाशी साहब की जात ने मुतासर किया उन लोगों में मैं भी था। तो वहां पेरिस और लंदन में जब भी मियां साहब आते थे हम इनके नियाजमंदों की सूरत में मिलते थे, जुड़ते थे, सलाम दुआ होती थी, इनसे बात करने का मौका मिलता था। तो ये था एक वो रिश्ता। तो इन्होंने महमूद अकबर खान से कहा यार संदीला साहब तो पेरिस होते हैं तो यहाँ आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी वो तो आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ भूख हड़ताल की है। तो मियाँ साहब ने कहा कि आप संदीला साहब से कहें कि बस आप ये भूख हड़ताल खत्म कर दें। तो मुझे उस दिन 3 दिन हो चुके थे, मैंने कहा मियाँ साहब मेरी ख्वाहिश और मेरे साथ बैठे लोग चाहते हैं कि आप खुद तशरीफ लाएं और भूख हड़ताल खत्म करवाएं। मियाँ साहब ने कहा मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं आऊं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मेहमान अफसोस के लिए आ रहे हैं, तो आप नहीं आ जाते। अब मैं नवाशी साहब की बात को कैसे टाल सकता था। उस वक्त के जो मारूफ लीडर थे नईम हुसैन चट्टा साहब, हाजी नवाज साहब, जैद बकर चौधरी, बरजीत साहब, ये सारे लोग यहाँ से हम काफिले की सूरत में गए। तो आगे मियाँ नवाशी साहब मॉडल टाउन वाले घर बैठे थे, उनके दाएं तरफ चौधरी शिजात बैठे थे, बाएं तरफ मियाँ अजहर बैठे थे, उधर एजाज उल हक बैठे थे, इधर ये खबरें अखबार वाले ज़िया शाह साहब बैठे थे, इस तरह के सरकर्दा लोग बैठे थे। तो मैंने पट्टियाँ बांध दी थी और मेरी जो हालत थी, तो मियाँ साहब ने मुझे कहता संदीला साहब आगे आए। मैं जब आगे आया तो उन्होंने कहा ये आपने क्या किया। मैंने कहा मियाँ साहब मेरे लिए मेरे कैद का घर आबाद गया जैसा है, और ये मंजूर वट्टू ने ज्यादती की है कि वो ज्यादतियात पे ऊपर आया है, तो ये मेरा एहतजाज है। तो मियाँ साहब कहने लगे पाकिस्तान या हमारे मुल्कों में तो इस तरह का होता रहता है। मैंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए। तो मियाँ साहब ने मुलाजिम से कहा कि जाओ। अच्छा कि पीछे से किसी ने कहा मियाँ साहब संदीला साहब अभी भूख हड़ताल में है। तो मियाँ साहब ने कहा कि जाओ दूध लाओ। दूध का गिलास आया तो मियाँ साहब ने कहा लो संदीला साहब पिए। अरे वाह। मैंने कहा वाह मियाँ साहब जबरदस्त, मैं जिंदगी दांव पे लगा दी। तो ये दूध के गिलास के लिए बिल्कुल ठीक, सारा सन्नाटा छा गया। मैंने कहा मियाँ साहब मैं खड़ा था, मैंने कहा आप उठे खड़े हूँ और ये गिलास उठाए और मेरे होठों को लगाए। अरे वाह, ये एक इंटरनेशनल तरह की ये आवाज है जो जो लोग सुन रहे होंगे। मैं ये बात फखर से कह रहा हूँ और कितने बड़े बड़े लोगों के मैंने नाम लिए हैं, ज़िया शाह मौजूद थे, चौरी शिजात, मियाँ अजहर साहब, एजाज उल हक, ये ख्वाजा साद रफीक, इस तरह के जो भी लोग थे, हजारों सैकड़ों लोगों का मजमा था। मियाँ नवाशी साहब खुद उठे, उन्होंने गिलास खुद मेरे होंठों को लगाया, दूध का गिलास मेरे होंठों को लगाया। तो मैंने कहा मियाँ साहब आज आपने इतनी बड़ी मुझसे मोहब्बत किया कि मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया। जब मियाँ नवाशी मैं आज वादा करता हूँ अगर आप जिंदगी में दुखों में खड़े होंगे तो आरिफ सुनीला दुखों में आपके साथ खड़ा होगा।
खुशियों में तो फिर इंसान साथ होता ही है। साबित, आपने साबित भी किया कि हर दुख में साथ। अच्छा ये बताएं कि आपने वैसे तो बताया कि पेरिस में ये मियां नवाज से शनासाई कब हुई और बकायदा नून लीग कब ज्वाइन किया आपने? नून लीग असल में जब कॉलेजों के जमाने में जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उस वक्त जो इलेक्शन या सब कुछ होता था वो एंटी और भुट्टो एंटी होता था, ठीक है जी, PSF, NSF और दूसरी तरफ जमीयत MSF। तो हमारा लोग चूंकि रुझान चूंकि दाएं बाजू की पॉलिटिक्स में शामिल थे तो इसलिए इनके साथ चलते रहे। तो 1974 से लेकर फिर ये जो सिलसिले चलते रहे, तो जब ये मुस्लिम लीग बनी, जब मियां नवाज शरीफ साहब, जब जुनेजो साहब की हुकूमत थी या मियां साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो ये फ्रांस वगैरह में, लंदन वगैरह में आते थे, कम जमात का मेंबरशिप तो फिर उस जमाने में हुआ या ना हुआ, लेकिन दिल से मान लिया कि मियां नवाज शरीफ हमारा लीडर है और मुस्लिम लीग हमारी जमात है। ये मुस्लिम लीग से नहीं तो हम थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी जब बनी तो उस वक्त भी उनके साथ थे, ये तो याद भी नहीं पड़ता हम। और इंशाल्लाह ये भी एक आरजू है बाकी जो अल्लाह ताला की तरफ से होगा कि हम जमाते बदलने वाले लोग नहीं है, चाहे सूरज मशरक से मगरब की तरफ से आना शुरू हो जाए और चांद और सितारे दिन को उजागर होना शुरू हो जाए और जो बाहरी खजाएं और खजाएं बाहरों का रूप भी धार लें। हम कल भी मुस्लिम लीगी थे, हम आज भी मुस्लिम लीगी है और जिंदगी की आखिरी सांसों तक। अब ये हमारे नसीब की बात होगी कि जब हमारे वो उठाए जाए जनाजे रूह परवाज़ करेगी का परचम पड़ा हो। अरे नवाज शरीफ कल भी हमारा लीडर था, नवाज शरीफ आज भी हमारा लीडर है और जिंदगी की आखिरी सांसों तक हम उसके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिशन उसके मकसद और उसकी जिंदगी के लिए दुआ दुआएं। नवाज शरीफ इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की बेहतरी, इस मुल्क की खैरखाई, इस मुल्क और इस मुल्क का मसीहा है। बिल्कुल, किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली और किसी लीडर की शान और उसके औसाफ और उसकी सलाहियतों का इम्तहान देखना हो तो आवाम से पूछा जाए कि क्या आवाम किसके दौर में पुरसकून थे, किसके दौर में ये पाकिस्तान खुशहालियों और कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा था। और मैं ये सवाल से तो खैर अलग बात है जी, मैं जी कह सकता हूं। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, हमारे देखने वाले बहुत सवाल पूछ रहे हैं आपके इसी जवाब में। शहजाद कुरैशी साहब हैं, रोजनामा साफ में कालम लिखते हैं, बड़े सीनियर तजिया नगार हैं, उन्होंने एक सवाल भी आपकी इस बात से दाग दिया कि संधीला साहब आज की हुकूमत में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में क्या फर्क है? फर्क देखें, मैं अगर सिर्फ जवाब दूं तो ये मेरी 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 एक वर्कर का और एक ऐसे शख्स का जो मुस्लिम लीगी है और जिस जो नवाज शरीफ को अपना लीडर तस्लीम करता है, मैं डंके की चोट पर ये बात बड़े वसूख और यकीन के साथ कहता हूँ। हम चूंकि अवामी लोग हैं, सियासत से मेरा ताल्लुक 1974 में मैं जख्मी हुआ था, मतलब ये कि उससे पहले भी मुझे सियासत से लगाव था, तब भी मैं रोड़ों पे आया था, तो ये गालबन कोई 46 साल आधी सदी का सफर बनता है। तो मैं अपनी उस फहम के मुताबिक ये बात यकीन से कहता हूँ कि मुख्तदर हल्के अगर आज भी पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान कर दें और वो इलेक्शन बिल्कुल धांधली के बगैर हो, तो लोग तो कहते हैं दो तिहाई, मैं कहता हूँ ये ताइयां खत्म हो जाएंगी। 100 में से 100 सीटें मियां नवाज शरीफ की जमात जीतेगी, मुस्लिम लीग नून जीतेगी, क्योंकि अवाम उसे अपना मसीहा समझते हैं, अवाम उसे अपना लीडर समझते हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के की खुशहालियों और तरक्कियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, अवाम इसके मुतरफ हैं। ये आज महंगाइयों के सलाब हैं, आज समय ये कोरोना की सूरत हाल ही को देख लें, कोरोना अगर आज मुल्क की बागडोर मियां नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ के हाथ में होती तो लोग देखते कि क्या क्या हो रहा है। और ये डिंगी के हवाले तो आज भी कौम को याद होंगे कि किस तरह ये फिलिपाइन हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया, कोरिया हो गया, जो भी जहाँ पे भी ये डिंगी के लोग बीमारी या वबा आती है तो वहाँ ये मुद्दतों तक जारी रहती है, लेकिन पाकिस्तान में आई तो मियां शहबाज शरीफ की कोशिशों काविशों और उसकी अंतक जदोजहद से आज पाकिस्तान में डिंगी का नामो निशान तक मिट गया है। तो
ये आप जो बात करती हैं, ये आप पाकिस्तान के किसी बंदे के दिल की धड़कनों से पूछें कि आज वो किस हाल में है। आज का दौर अच्छा है या मियां नवाज शरीफ का दौर अच्छा था? आज महंगाइयां ज्यादा है या मियां नवाज शरीफ के दौर में उन्हें सहूलतें ज्यादा थी? आज मुल्क में अफरा तफरी और बेचैनियां है या उस जमाने में मुल्क खुशहालियों की तरफ बढ़ रहा था? उस वक्त मुल्क में अंधेरे खत्म हो रहे थे या आज लोगों के दिलों दिल जो है अंधेरों की तरफ चले गए हैं? किसी भी पहलू से देखा जाए, और इस बात का फैसला मुअर्रख करेगा। मुअर्रख ये साबित करेगा कि जब 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी नवाज शरीफ के 5 साल दौर में, आज ये जो पाकिस्तान में बिजलियां और रोशनियां दिखाई देती हैं, इसके सिरा मियां नवाज शरीफ के सर जाता है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्रामों से लेकर आज ये जो मोटरवे के जाल जिनके इफ्तिताह दूसरे लोग कर रहे हैं, इनके आगाज नवाज शरीफ ने किए थे। ये मुल्क की संत का पहिया ये मियां नवाज शरीफ के दौर में दौड़ा था, और उस वक्त डॉलर की पोजीशन क्या थी और आज डॉलर किस हालत में है? उस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल थी और आज महंगाई की सूरत हाल क्या है? उस वक्त आवाम कितने पुरसकून थे और आज आवाम में कितनी बेसकूनी है? नवाज शरीफ का तो चेहरा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा था। बिल्कुल ऐसे ही नवाज शरीफ तो जब टेलीविजनों पे आता था या जब मियां नवाज शरीफ की तस्वीर छपती थी या जब नवाज शरीफ लाखों के मजमे में ऐसे हाथ लाता था तो लोगों के चेहरे बाग बाग हो जाते थे, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती थी, लोगों के चेहरों में उमंगे और जोश और जज्बे रवा दवा हो जाते थे कि हमारा लीडर। लेकिन हमारा आज का लीडर तो हवाओं से लड़ाइयां करता है, समझ ही नहीं आती उसका मिशन क्या है, वो चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है। द यू-टर्न, लो जी ये भी एक खूबी है, लीडर फैसले करते हैं फिर उस पर खड़े हो जाते हैं, और उस पे डट जाते लीडर गर्दने कटा देते हैं लेकिन अपने असूल और नजरिए बदले नहीं करते और सर झुकाया नहीं करते। यू-टर्न ये बुजलों के शेबे होती हैं। कौन कहता है कि यू-टर्न कामयाबियों का रास्ता है? आज एक मैंने गलत बात की, अगर लीडर ही बात, इंसानों की छोटी मोटी गलतियां कुदरत भी माफ करती है और तारीख भी माफ करती है। लीडर की छोटी या बड़ी गलती, लीडर की अच्छी अच्छा फैसला कौमों की तकदीर बदल देता है। बिल्कुल ठीक, लीडर का गलत फैसला कौमों के मुकद्दर को अंधेरों में डाल देता है। मैं ये यू टर्न वाला ये कोई खूबी सिफत में शामिल नहीं, ये चीज होती लीडर सोच के बात करता है। लीडर की नजर बड़ी, लीडर का विजन, लीडर की नजर आम इंसानों से बहुत आगे खड़ी होती है। और अगर जो कमांडर हो, जो लीडर हो, अगर वही फैसले खत्म करे गलत करेगा तो कौम की हालत क्या होगी, कौम की हालत क्या होगी। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं जी, एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं आपको, ये देखिए कदरा जी। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। आपको पता है ना मैं कौन हूँ? बाबू जी हूँ ना। बड़ी तकलीफ वाली ये सारी सिचुएशन थी। हम आपसे सबसे पहले बेगम कुलसूम नवाज साहबा के बारे में जो सवाल करेंगे वो ये है कि जब मुश्किल वक्त आया, कायदे मोहतरम जेल में थे डिक्टेटरशिप के दौरान, तो उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। आप उस पूरे सफर में उनके साथ हरावल दस्ते में, मतलब सबसे आगे वाले दस्ते में आप उनके साथ थे, क्या सूरत हाल थी उस वक्त? ये एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश थी जिसकी बिना पे मुल्क अंधेरों की तरफ डूब गया, मुल्क में जमहूरियत डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया, मुल्क में मार्शल लॉ मुसल्लत हो गया। तो ये एक साजिश थी कि परवेज मुशर्रफ को लाना था और ये अफगानिस्तान की वादियों को लुहान करना था, पाकिस्तान पर अमेरिकन आर्मी को मुसल्लत करना था, और ये एक सूरत हाल थी जो एक साजिश के तहत मुशर्रफ को लाया गया। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ, मुल्क बड़ा कामयाबियों की तरह रवा दवा था, ये सनत के पहिए चल रहे थे, मुल्क में समझ लें खुशहालियाँ आ रही थी, महंगाइयाँ कम हो रही थी, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। तो ये अमेरिका, ये इस तरह के जो इंटरनेशनल अदारे हैं जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन है, उन्हें ये सूरत किसी सूरत पसंद नहीं थी। तो वो इस तरह के लोगों को फिर मुल्क में तलाश करते हैं।
तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ के कंधे पे हाथ रखा और मुशर्रफ को ले आए, नवाज शरीफ को अटक किला में डाल दिया गया। और मुझे ये भी एक एजाज हासिल है, मुझे ये भी एक एजाज हासिल है कि जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आधे घंटे की मुलाकात के लिए मियां नवाज शरीफ साहब से अटक किला में इजाजत मिली, तो पहले दिन बेगम साहिबा जब अटक किला में गई तो मैं अटक किला के अंदर बेगम साहिबा के साथ गया था और मुझे अटक किला के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाने का आजाद भी मेरे पास है। अरे जबरदस्त, ये भी मेरे लिए कारकुन के लिए फख्र की बात है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की तारीख में तीन खवातीन में तीन करदार बड़े रोशन बाब हैं, मोहतरमा फातिमा जना, उनका तो कोई सानी हो ही नहीं सकता, कैद आजम मोहम्मद अली जना की बहन, जिनकी कुर्बानियां और जिनकी वजह से आज हम आज़ादियों के सांस ले रहे हैं, अनमोल तोहफा कुदरत का मोहतरमा फातिमा जना, जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादियों के लिए शादी ताकना की, भाई के मिशन को की तकमील के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, तो उनके बारे में तो जबान छोटी और उनकी उनकी अजमतें बड़ी हैं। उसके बाद बेनजीर साहिबा का दौर आता है, उन्होंने भी जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए और मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद में उनका भी एक तरीकी करदार है, उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बदकिस्मती है कि आसिफ जरदारी जैसे लोग आज उनकी जमात पर विराजमान हो गए और वो जमात जो कौमी जमात थी आज सूबों में तक महदूद होगी। तो फिर जिनके बारे में आपने बात की, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, मैं उन्हें मादर जमहूरियत कहता हूँ। जब मुल्क में मार्शल ला था, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था और उस वक्त जमाती आपस में दस्त व गिरेबान थी और बहुत सारी अक्सर जमातों ने जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मार्शल ला मुसल्लत हुआ, परवेज मुशर्रफ की मार्शल ला आया, तो अक्सर जमातों ने मिठाइयाँ बांटी थी और ये बड़े दुख की बात थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अटक किले चले गए, उनकी सारा खानदान जेलों में चला गया, अब मुस्लिम लीग पे बड़ा बहरान आया, आमरियत मुसल्लत होगी, तो उस वक्त एक तवाना आवाज उठी जिन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मैं किसी सूरत, बेशक मेरा खानदान कैद खानों में बांध है, लेकिन मैं किसी सूरत परवेज मुशर्रफ की आमरियत को तस्लीम नहीं करूंगी। और वो उन्होंने डंके की चोट पे जब अवाम को मुखातब किया तो अवाम ने उनके लिए अपनी नजरें बिछाई। और आज अभी ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, परवेज मुशर्रफ का मार्शल ला कोई इतनी 20 साल पहले की बात है, अभी जी 20 साल, सारे लोग उस वक्त के गवाह हैं। बेगम कुलसूम नवाज के जमहूरी काफले जिस तरफ से गुजरते थे, अवाम के समंदर वहां आगे खड़े होते थे। तो उस जमाने में फिर खास तौर पे जब वो बेगम साहिबा चागी गई तो रस्ते में उन पे रुकावटें डाली गई। चागी पाकिस्तान की एटमी वो पहाड़ जहाँ पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, और इसका सेहरा मियां नवाज शरीफ के सारे है कि जब इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनके जवाब में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को सुरखरू कर दिया। और चागी का वो जो स्याह पहाड़ वो जो सफेद हुआ था। अब बेगम साहिबा ने फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ साहब तो जेल में है, लेकिन मुझे चागी के पहाड़ों पर जाना है और उस दिन की याद मनानी है जिस दिन पाकिस्तान सुरखरू हुआ और एटमी कुवत बना था। लाहौर से ये काफिला चला और लाहौर से चलते चलते मोड़ पे रुकावटें, मोड़ पे लाठी चार्ज, मोड़ पे जुल्म ज्यादती की दास्तानें, कुलसूम नवाज जख्मी, मेरे जैसे वर्कर जख्मी। लेकिन काफिला चलता गया और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने, इसमें एक और बड़ा मोड़ आता है, अफवाज पाकिस्तान के वो सिपाही जो मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफज हैं, तो जब जो चागी के पहाड़ों को का पहरा दे रहे थे, उसकी अजमत को सलाम कर रहे थे, बेगम कुलसूम नवाज का काफिला जब चागी की वादियों में दाखिल हुआ तो मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि वहाँ यूनिफार्म में जो सिपाही थे पाक फौज के, उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज को सलूट किए थे। जिंदाबाद, इस बात का एतराफ है, ये पाकिस्तान की आर्मी के सिपाहियों का और बहादुर सिपाहियों का कुलसूम नवाज को सलूट करना इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान
सिपाही जो हैं मियां नवाज़ी से मोहब्बत करते हैं, बेगम कुलसूम से मोहब्बत करते हैं, और बेगम कुलसूम नवाज की उस जद्दोजहद को सलूट करते हैं, और नवाज शरीफ ने जो एटमी धमाके करके पाकिस्तान को सरबरू किया था उस अजमत का एतराफ़ करती हैं। और वो बारह उसके बाद एक और बड़ा मुश्किल मरला आया। हमने पिंड दादन खान जाना था, बेगम साहिबा का वहाँ प्रोग्राम था। अब पुलिस ने चारों सिमतों से मॉडल टाउन को घेरा हुआ था कि हम किसी सूरत बेगम कुलसूम नवाज को बैर नहीं जाने देंगे। लेकिन वो एक बहादुर खातून थी, उन्होंने बिल्कुल गाड़ी अपनी बैर निकाल ली, उनके पीछे मेरी गाड़ी भी थी, आगे जो रुकावटें थी उन्होंने उनसे क्रॉस किया और बेगम साहिबा की गाड़ी जे रोड पे आ गई। ये एफ सी काले के पुल पे पुलिस ने आके उसे घेर लिया। अब वो चाहते थे कि बेगम साहिबा या वापस जाएं, लेकिन बेगम साहिबा का एक ही था कि नहीं, मुझे जाना है, मेरा वहाँ प्रोग्राम है। अब दुनिया ने इंटरनेशनल सतह पे जमाने ने एक तमाशा देखा। एक क्रेन उठाई गई, मंगवाई गई, और वहाँ क्रेन के जंजीरों के साथ बेगम कुलसूम नवाज की गाड़ी को बांधा गया और उठाया गया। और अब जेल रोड से जी ओ आर तक ये 3-4 किलोमीटर का फासला ऐसे गाड़ी उठाई हुई है। लेकिन काश उस जमाने में ये मीडिया होता, ये टेलीविजन होते, ये अदारे होते, ये प्रेस होता तो पता चलता, लेकिन उस जमाने में तो टीवी थे नहीं। तो वो क्रेन से गाड़ी उठाई हुई थी और वो जी ओ आर पहुंची। लेकिन एक वर्कर की हैसियत से ये मेरे लिए फख्र की बात है कि यहाँ से लेकर जी ओ आर तक वहाँ मुस्लिम लीग का एक वर्कर आरिफ संदीला वहाँ मौजूद था, या फिर उस जमाने का प्रेस मौजूद था, साफी मौजूद थे। और उस जमाने के साफी इस बात की गवाही देंगे कि बेगम कुलसूम नवाज का गाड़ी में जो जब बैठी थी उनका मेरे साथ रब्ता था और मैं ही उनकी सारी बातें प्रेस वालों को बता रहा था। और ये लम्हा मेरे लिए बड़ा एजाज और फख्र की बात है कि बेगम साहिबा मुझे जो कुछ बताती थी मैं वो पाकिस्तान की आवाम को और मीडिया को बता रहा था, और अगले दिन सारा कुछ वही छपा था। बिल्कुल, बहुत बड़ी तहरीक है जी। आपने चाई तक सफर किया, फिर ये 2 साल का 2.5 साल का जो अरसा था आपने बेगम साहिबा के हमेशा। अच्छा, एक ये सवाल ये बताएं, एक छोटा सा मैं वादा और दे। जी 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 जी, मियां जब मियां नवाज़ी साहब कराची जेल में बंद थे तो हम मियां साहब की मुलाकात के लिए कराची गए, तो वहां पे इकबाल राज साहब वहाँ मियां नवाज़ी साहब के वकील थे। हम कुछ 2-2.5 बजे बेगम साहिबा, मैं और चंद दूसरे जो कारकुन थे, हम इकबाल रात को मिल के आए। तो अभी हम कराची में थे तो इतला मिली कि इकबाल रात का कत्ल हो गया है। कुछ लोग आए हैं और उन्होंने इकबाल रात जो मियां नवाज़ी साहब के वकील हैं उनका मर्डर कर दिया है। बेगम साहिबा ने ये एक इतफाक समझे कि इकबाल रात प्रैक्टिस तो कराची में करते थे, लेकिन उनका आबाई शहर जो था, आबाई ज़िला जो था, वो ज़िला शिवपुरा था, और ननकाना साहब के पास एक गांव है, वहाँ के वो रहने वाले थे। अब बेगम साहिबा को उन्हें दफन तो कराची में किया गया, लेकिन बेगम साहिबा को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। अब फैसला ये हुआ कि बेगम उनकी जो इकबाल रात साहब की बेगम है, उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो बच्चे हैं, हम उनके पास जाएंगे उनके गांव में। तो बेगम साहिबा ने एक फैसला किया कि हम शेखपुरा जाएंगे और इकबाल रात के घर जाएंगे। अब तय ये करना था कि शेखपुरा में उस जमाने में जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल ला अपने पूरे जोबन पे सवा नेजे पे था, बेगम कुलसूम नवाज के लिए शेखपुरा में अपने घर का दरवाजा कौन खोलता है? तो उस वक्त के जो शेखपुरा में जिन लोगों की रहायशें थी उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। कैप्टन सफदर ने मुझसे कहा कि संदीला साहब आप क्या करना है? मैंने कहा मैं आपका भाई हूँ, मैं मियां नवाज शरीफ का साथी हूँ, मैं मुस्लिम लीग की वर्कर हूँ, मेरा घर हाजिर है। तो अब जब अखबारों में आ गया कि फलां तारीख को बेगम कुलसूम नवाज साहिबा पहले शेखपुरा में आरिफ संदीला के घर आएंगी और उसके बाद हम इकबाल रात के घर ननकाना साहब में जाएंगे। उस जमाने में ननकाना साहब शेखपुरा की तहसील थी। अब पुलिस ने मुझ पे प्रेशर डाला कि जब कोई और
अपने घर का दरवाजा उनके लिए खोलने को तैयार नहीं, तो आप भी बंद करें। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो पुलिस ने मेरे वालिद को बुलाया, मेरे वालिद ने भी इनकार कर दिया। अब पुलिस ने, उस जमाने की पुलिस ने एक और हरबा इस्तेमाल किया, इन्होंने मेरे समय उम्र सीधा बाप को, जो बेचारे बीमार भी थे, बिल्कुल इन्होंने उन्हें ट्रैक्टर चोरी के केस में, पुलिस ने शेखपुरा हमारे गांव में रेड किया, मेरे वालिद को, जबकि हमारे ट्रैक्टर जाती थे, मेरे वालिद को ट्रैक्टर चोरी के केस में झूठा मुकदमा बनाकर फरुखाबाद सदर थाने के हवालात में रखा गया और मुझसे कहा कि अगर तुम सुबह ऐलान करो कि बेगम कुलसुम नवाज मेरे घर में ना आए, तो फिर तो हम आपके बाप को अभी छोड़ देते हैं, वरना ट्रैक्टर चोरी के मुकदमे में आपका बाप जेलों में रहेगा। तो मेरे बाप ने मैसेज मुझे पैगाम भिजवाया कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने पीछे नहीं हटना, ना हमने अपना दरवाजा बंद करना है। तो ये मेरे लिए फख्र की बात है, जब बेगम कुलसुम साहिबा शेखपुरा आई, या जब हम एक बार रात के घर फातिहा पढ़ने के लिए गए, तो मेरा बाप उस वक्त ट्रैक्टर चोरी के केस में फरुखाबाद सदर थाने के हवालात में बंद था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी तारीख है जी, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी कारकुनों को जितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, इसी पे एक छोटा सा सवाल करता हूं, आपको डर नहीं लगता ये बंदूकों वालों की आंखों में आंखें डाल के जब आप बात करते हैं? नहीं, इसमें कोई प्रवेश साहब कोई तकबर फखर वाली बात नहीं होती। मैं तो फितरतन मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझसे कोई छोटी मोटी ज्यादती भी कर ले मैं नजरअंदाज करता हूँ, मैं बदला ये अपने आप को ये समझना, मैं एक आजिज सा इंसान हूँ, अल्लाह ताला की अजमतों को मानता हूँ, ये अल्लाह और उसके हबीब का सदका है, उनकी मेहरबानियाँ है कि अल्लाह ने कुछ ये सलाहियतें अता की, या जब कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो खुदा की तरफ से ये जज्बे, ये जुरतें, ये खलूस, ये इस तरह के हौसले, ये अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, तो बस इंसान कह देते हैं। इसमें कोई मैं नहीं इतना, क्योंकि मैं ये शिवपुरा के लोग जानते हैं, या जो भी लाखों लोग मुझे पहचानते हैं, चाहे मेरी 16 साल की पेरिस की जिंदगी है, या पाकिस्तान की इतनी सारी जिंदगी है, या मेरी 46 साल का सियासी जद्दोजहद का जो सफर है, कोई ये नहीं कह सकता। ना मैंने कभी गन्ने, रैफलें, कलाशनकोफें, या मैं MPA बना, तो जिस तरह का मैं पहले था उसी तरह का ही बाद में था। जबकि लोग, आम लोगों को ये देखा गया है कि जब थोड़ा सा उनको ऐसे ही कोई बात होती है तो कलाशनकोफ, गन्ने, ये और वो, लेकिन कुदरत की मेहरबानियाँ मुझ पे हमेशा रही हैं, और कुदरत की मेहरबानियों से अल्लाह ताला की तरफ से ये इज्जतें मिलती हैं। कोई इसमें मैं कोई स्पेशल नहीं समझता, बस अल्लाह उस वक्त इस तरह के हौसले अता करता है कि उस वक्त सच को सच कहने को दिल चाहता है, और दो को दो कहने को दिल चाहता है, और स्याह को सफेद मानने से इनकार करने के अल्लाह ताला उस वक्त हौसले देता है। बिल्कुल ऐसे की तरफ से राय खुद ही निकल आती है, ऐसे ही है, ऐसे ही अल्लाह ताला की जात भी उन्हीं की हिफाजत करता है, उन्हीं की उनको ही प्रोटेक्ट करता है जो हक की राह पर चलते हैं। मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, 150 के करीब करीब पेशियां भुगती मियां साहब ने, और आपने लाहौर से, शेखपुरा से उनके साथ उनसे पहले इस्लामाबाद पहुंचे होते थे, और ये हर रोज पहुंचे होते थे। कैसे मैनेज करते थे जिंदगी को, सोना, खाना पीना, कि मियां साहब नहीं पहुंचे आप पहले वहां पहुंचे होते थे, कैसे मैनेज करते थे? बस ये एक समझ ले शौक था, तल्लक था, वास्ता था। तो नैब की पेशियों में, और मेरे लिए ये बड़ी फखर की बात है, मैं ये बड़ी फखर से ये बात कह रहा हूँ कि मियां साहब तो हमारे लीडर, तो उनके लिए जाना आना तो था ही सारा कुछ, लेकिन मरियम नवाज साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी, जब पहले दिन नैब की अदालत में पेश होने के लिए गई, तो अल्लाह ने ये मुझे हौसला दिया कि उस दिन एक खुदा उनके साथ था और एक आरिस नीला भाई बांध के उनके साथ गया था नैब की अदालत में पहले दिन। और मियां साहब ने 150 पेशियां, मेरा ख्याल है कि अगर वो 150 बार गए हैं तो मैं 170 बार वहाँ उनके साथ आना और जाना, जब एक तल्लक था, एक लीडर था, और परेशानियों में, और जब मुश्किलें आती हैं, जब इस तरह के सूरत हाल पैदा होती है, उस वक्त अपने दोस्त का साथ छोड़ना, अपने लीडर का साथ छोड़ना, अपने नज़रिए का साथ छोड़ना, अपने असूलों से पीछे हट जाना, ये इंसान को जेब नहीं देता। तो मुझे कई लोग कहते भी थे, संदीला साहब बड़ी अजीब बात है, तुम्हें पार्टी ने
टिकट भी नहीं दिया और तुम सबसे पहले आके यहाँ पे कोर्टों कचहरियों में खड़े होते हो। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो सियासी वर्कर होते हैं वो अपने नज़रियात से प्यार करते हैं, अपने असूलों से प्यार करते हैं, अपने मिशन और अपने मकसद से उन्हें लगाव होता है। ये सीटें, ये अहदे, ये मरतबे, ये सारी चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। तो अच्छा, जब मियाँ साहब की पेशियाँ होती थी तो हम मोटरवे पे जाया करते थे, धुंध देश कदर ज्यादा होती थी कि वहाँ पहुँचना महाल होता है। हम रात के कोई 1 बजे निकला करते थे और सुबह 7 बजे धक्के टुटे खाते वहाँ पहुँचते थे। तो बस ये एक प्रवेश साहब एक जज्बा ही था, जज्बा वो जज्बा ये था कि मियाँ नवाज शरीफ, जिन्हें कोर्ट ने भी कहा कि ये बेकसूर है, इन पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, तो हमारा दिल भी कहता था, चूंकि हम सुबह शाम नवाज शरीफ के दाएं बाएं रहने वाले लोग थे तो हम देखते थे। हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने करप्शन क्या की है, नवाज शरीफ ने लूटा क्या है, नवाज शरीफ ने किसी का क्या खाया है, नवाज शरीफ ने कब्जा कहाँ पे किया है। तो ये एक जद्दोजहद वाली फैमिली थी, मियाँ शरीफ से लेके मियाँ नवाज शरीफ या सारे जो भी लोग हैं। तो बहरहाल ये अब सोचते हैं तो समझ नहीं आती ये कैसे होता था, ये सब कैसा हो गया, ये सब कैसे हो गया, सुबह इधर शाम उधर, शाम को इधर आना और फिर सुबह को उधर जाना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे लिए बड़ी फखर की बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई कुदरत की तरफ से देना ऐसा रह गया हो तो रह गया हो, वरना अगर 150 बार वहाँ गए हैं तो हम 160 बार वहाँ यकीन पहले से वहाँ पे होते हैं। बड़ी बात है जी, बहुत ये फर्ज था और लीडर का मुश्किल वक्त में और दोस्त का मुश्किल वक्त में साथ देना इंसान की जमीर का भी फैसला होता है और इंसान का फर्ज भी होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कुछ दिन पहले आपकी नजर पड़ी होगी एशिया टाइम में एक कालम छपा है जिसमें लिखा यह गया है कि जब तक मरियम नवाज हैं तब तक नून लीग में यू टर्न की सियासत नहीं हो सकती। अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तारीख में तीन अजीम औरतें हुआ है, तीन अजीम औरतों में, क्या आप समझती हैं कि ये मरियम नवाज एक चौथी खातून पाकिस्तान में उस लेवल की आने वाले दिनों में बनकर उभर रही हैं? देखें, जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि मोहतरमा फातिमा जिना, उनकी अजमतें बेमिसाल, वो तो काबिल रश्क शख्सियत और उनकी कारनामे, उनकी जद्दोजहद, पाकिस्तान की आज़ादी, वो तो मादरे वतन है। तो उसके बेनज़ीर साहबा का सिलसिला आता है, उनकी भी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। फिर बेगम कुलसुम नवाज मादरे जमहूरियत, उनकी जद्दोजहद। अब ये उम्मीद हैं, मरियम नवाज पाकिस्तान की उम्मीद हैं, मुस्लिम लीग की उम्मीद हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं और मादरे जमहूरियत बेगम कुलसुम नवाज की बेटी हैं, इनमें जद्दोजहद है। तो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि खुदा ताला मियां नवाज शरीफ का साया इन पे सलामत रखे, मियां नवाज शरीफ साहब सेहत याब होकर खुद पाकिस्तान आए और मुल्क आज जो अंधेरों की तरफ या जिस सूरत हाल से दो चार है। और इंशाल्लाह ये मैं बात एक कह दूं, ये कोरोना से पहले मैं लंदन मियां नवाज शरीफ साहब को सलाम करने के लिए गया था जी। मैं लंदन गया था उनसे मिलने के लिए। हम ये नहीं है कि हम आज कह दें जी हमारा नवाज शरीफ से तो कोई तल्लुक नहीं है, नहीं, हम नवाज शरीफ के कल भी वर्कर थे, हम मुस्लिम लीग के कल भी वर्कर थे, हम कल भी मियां नवाज शरीफ के साथी थे, हम कल भी मुस्लिम लीग के साथ थे और आज भी हैं और आने वाले कल को भी। हमें इंशाल्लाह हमारा लीडर नवाज शरीफ है, हमारी जमात मुस्लिम लीग है, इस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, कोई राय हो ही नहीं सकती, कोई ताकत, कोई घमंड, कोई गुरूर, कोई जुल्म, कोई ज्यादती, कोई रायतें, कोई लालच, कोई गरज, किसी सूरत अभी ना वो सिक्के बने हैं जो हमें हमारे जमीरों को खरीद सकें, ना वो अभी असूल और वो जाब्ते तय हुए हैं जो हमें हमारे रस्तों से पीछे हटा सकें। और ये हम खुदा ताला का एक कर्म समझते हैं कि हम अपनी पार्टी के साथ हैं, हम अपने लीडर के साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब सेहत याब होंगे, ये इंशाल्लाह की वजह से उनके वो जो ऑपरेशन वगैरह का थोड़ा सा सिलसिला है वो थोड़ा सा हो रहा है, ये तो डॉक्टरों ने फैसला करना है, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब सेहत याब होकर मुल्क में वापस आएंगे। परवेज मुशर्रफ के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए थे तो अब तो बात ही कोई नहीं, माशाल्लाह के उस जमानों में मियां ये एक नवाज शरीफ पे इल्जाम है, जब मियां नवाज शरीफ साहब को
वहां पे अटक किले पे सजा मिली हुई थी, तो खुदा गवाह मैं वहां पे मौजूद था, मैं वहां पे मौजूद था। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो जस्टिस जज जो कुरैशी साहब थे, उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि कुरैशी साहब आपकी जेब में जो चेट है वो पढ़ के सुनाएं, नवाज शरीफ हर सजा सुनने के लिए तैयार हैं। अरे जबरदस्त, एक इल्जाम है कि वो ऐसे गया, वो ऐसे गया, ये सारी बातें गलत है। नवाज शरीफ ने कल भी जुर्रत के साथ मार्शल लॉ को फेस किया, जुर्रत के साथ जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब सेहत याब होंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और नवाज शरीफ पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के दिलों की धड़कन है। मियां नवाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान समेत आजाद कश्मीर के ये आवाज है, और ये आवाज गूंजेगी, ये आवाज हर एक को सुनाई देगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और ये जो तरक्की के रस्ते हैं ये फिर खुलेंगे, पाकिस्तान खुशहालियों के राहों पे गामजन होगा, और ये जो बेरोजगारियों के सलाब हैं, ये जो गुर्बत और अफलास के दौर हैं, ये इंशाल्लाह खत्म होंगे, मुल्क में असूलों की हुक्मरानी होगी, ये यू टर्न ये और वो इनके खात्मे होंगे, और एक फैसले होंगे, और वो फैसले पाकिस्तान को बावकार मुकाम देंगे इंशाल्लाह। ये बात बिल्कुल मैं किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हूँ। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हैं, उनकी वापस वतन वापसी के लिए के मुतमन्नी हैं, दुआ गो हैं और मुतमन्नी हैं, उनकी नजरें नवाज शरीफ को तलाश करती हैं, वो नवाज शरीफ की सूरत देखना चाहती हैं, नवाज शरीफ की सूरत पाकिस्तान की अवाम को हौसला देती है, और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ सेहत पाने के बाद अपने वतन को लौटेंगे, और ये जो उनपे कदमें लगी हुई हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इन कदमों को तोड़ेंगी, नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, और पाकिस्तान फिर खुशहालियों और कामयाबियों के रस्तों पर गामजान होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बिल्कुल जी, नवाज शरीफ साहब जब भी मुल्क में आते हैं तो तरक्कियों के दरवाजे खुल जाते हैं, मुल्क में मजदूरी की, मुल्क में तरक्याती चीजों की रेल पे होती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो मुल्क को बहुत पीछे ले गई है। क्या समझते हैं कि ये, ऑफकोर्स इलेक्शन अगर दोबारा हो तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़ी दो तिहाई या छह तिहाई से आएगी, इजी होगा, आसान होगा ये जो इतना नुकसान डैमेज किया दो सालों में, इसको दोबारा कवर किया जा सके? ये मुशर्रफ का जब मार्शल लगा जी, तो उस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल से ये वतन दोचार हुआ था। पाकिस्तान में अमेरिकन आर्मी और दुनिया जहां की फौजें ऐसे मुसल्लत थी, पाकिस्तान तो एक गुलाम बन के रह गया था, पाकिस्तान लहूलुहान हो गया था, पाकिस्तान के बॉर्डर गैर महफूज हो गए थे, पाकिस्तान के की नजरियाती असासे वो दाव पे लग चुकी थी मुशर्रफ के मार्शल लॉ में। तो फिर बहरहाल अफवाज पाकिस्तान के जो जांबाज थे, जो जो पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए, हम उनकी अजमतों को सलाम करते हैं, लेकिन मुशर्रफ जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की नजरियाती असास को दीमक की तरह समझ ले खोखला कर दिया, और जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को गैर महफूज कर दिया, पाकिस्तान की सरहदों को गैर महफूज कर दिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो ये कौम गवाह है, तारीख गवाह है कि मुशर्रफ का मार्शल्ला जिसमें मसाजिद वो लाल मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ, और इधर धमाके उधर धमाके, ये हो रहा है वो हो रहा है, मस्जिदें, इमाम बारगाहें, मदरसे, और वो आज भी जब वो पेशावर वाला वाकया हुआ था जिसमें 500-600 बच्चा शहीद हुआ था, उस वक्त जी स्कूल वाला के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि अब बस, अब खत्म हो गया ये सिलसिले को, अब रुकना चाहिए। और फिर आपने देखा कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने भी और मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत में उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को कैसे महफूज किया, और किस तरह उन दहशत गर्दों का खात्मा किया, और आज पाकिस्तान एक लिहाज से मियां नवाज शरीफ की कोशिशों से, काविशों से पाकिस्तान अमन का गहवारा बन गया। तो अब फिर उसी तरह की सूरत हाल है, ना समझ में आने वाली सूरत हाल, पाकिस्तान की माशी हालत किस हिम्मत की तरफ जा रही है कोई पता नहीं, जंगीर तरीन साहब क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं, उनके दाएं बाएं बैठे लो, मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ, मेरा सियासी सफर बहुत ज्यादा है, 46 साल, आधी सदी का मेरा होशो आवाज का सफर है। 1974 में अगर मैं शेखपुरा की सड़कों पर खत्म नबूवत के नारे लगाता हुआ, जिंदाबाद कहते हुए जख्मी हुआ था
और 1974 में 1974 में 46 साल पहले मेरे हाथ को हथकड़ी लगी थी, तो मतलब ये हुआ कि मैं उस वक्त भी होश में था। और उसके बाद ये 46 आधी सदी का सफर, ये पाकिस्तान के नशेबो फराज, ये सिर्फ 14-15 साल जो मेरे पेरिस में गुजरे, लेकिन पेरिस में रहते हुए भी हम तो पाकिस्तान का ही सोचते थे। बिल्कुल ठीक। पेरिस के बाहरें, पेरिस के मौसम, हॉलैंड की वादियां, ये सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन खुदा गवाह है पाकिस्तान में अगर गर्म हवा के झोंके चलते हैं तो हम बाहर के मुल्कों में जो लोग मौजूद होते हैं हमारे दिल रोते हैं। हम तो पाकिस्तान के, हम खुद दुख सहते हैं, ना जाने हमारे वहां पे दिन और रातें कैसे गुजरती हैं। लेकिन जो कुछ हमें मिलता है, हमारी मेहनतें, हमारी मुशक्कतें, हमारी कोशिशें, हमारी जद्दोजहद, हमारी दिन और रातें पाकिस्तान के लिए, अपने देश के लिए वक्फ होती हैं। यहाँ से कोई खुशी का झोंका जाए, हमारे चेहरे खिल उठते हैं, हमारे हमारे दिल बाग बाग हो जाते हैं। यहाँ से कोई गम की खबर उतर जाती है तो पता नहीं यहाँ के लोग महसूस करते हैं या नहीं करते, लेकिन वहां पे हमारे चेहरे अफसुर्दा हो जाते हैं। हमारे साथ वो जो गोरे और दूसरी मुल्कों के लोग जो काम कर रहे होते हैं वो पूछते हैं आज हुआ क्या है, तो हम उन्हें कैसे बताएं कि आज हमें अपने पाकिस्तान की तरफ से दुख की खबर आई है, तो हम तो ऐसे हो जाती है। तो अब फिर पाकिस्तान की पॉलिसियां समझ में नहीं आ रही, करना क्या है, होना क्या है, जाना किधर है, पॉलिसी क्या है, हमारे मकसद क्या है, हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, हमने सिमतों का तयन कैसे करना है, पाकिस्तान को खुशहालियों की तरफ जाना कैसे है। नैब से कौन डरता है, नैब फैसले करे, लेकिन आज तक नैब बताए तो सही उसने किया क्या है। जी ये बता देना हमने 3 खरब रुपया लेके खजानों में जमा किया है तो बताओ वो किन से लिया है, उनके नाम बताओ जहांगीर तरीन से लिया है या किन लोगों से वो पैसे लिए हैं। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की क्यातों को आपने जेलों में डाला हुआ है, आप फैसले करें, बताएं इन्होंने जो लूटा है उसे मंदिर पे लाएं। लेकिन बात समझ में तो कोई आ ही नहीं रही। जब कोई शख्स हुकूमत का हमैती बन जाए तो वो सुरखरू हो गया, वो बेगुनाह हो गया, वो बेकसूर हो गया। और अगर आप हुकूमत वक्त से इख्तलाफ करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, मुल्क की खुशहाली की बात करते हैं, मईशत कैसे डूबी इसका जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में महंगाइयां क्यों बढ़ी इसकी बात करते हैं, तो लो जी आप पे नैब मुसल्लत हो गई। अब मैंने जिंदगी के ज़माने तालिब इल्मी के बाद पेरिस चला गया, मशक्कतें की, मेहनतें की, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानियाँ की, तो ये एक बात ज़रा नामुनासिब तो लगती है, लेकिन चूंकि आज तारीख दोहराई जा रही है, ज़िला शेखुपुरा में सबसे पहली पजीरों मेरे पास थी। देखो शेखुपुरा के लाखों लोग इस बात का इकरार करेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। एक दिन मैं सुबह उठा तो पुलिस ने चारों तरफ से मेरे घर को घेरा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला भी, क्या हुआ? कहने लगे जी ये आपके पास जो गाड़ी है इसके कागज दिखाएं। मैं अंदर कागज लाया, उन्हें कागज दिखाए, उन्होंने कागज भी जेब में डाले, मुझे भी पकड़ा और गाड़ी को भी ले गए। और मुझसे मेरे एहसासों का सवाल, और मुझे उस जमाने में नैब में तलब किया गया, तो मैंने उस जमाने में हबीब बैंक रेलवे रोड शिवपुरे का रिकॉर्ड दिखाया कि ये जो पुजारू है मैंने बाहर के मुल्कों में मशक्कतें की, मेहनतें की, मेरे फादर मुनासिब से जिम्मेदार हैं, 4-5 मुरब्बे के मेरे वालिद जिम्मेदार हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन बाहर के मुल्कों में गया, वहां हमने मेहनतें की, मशक्कतें की, तो मुझे शौक था, मैंने पजेरो खरीदी, तो मैं उस जमाने में नैब में मेरी तलबियां हुई। और मैंने फिर हबीब बैंक रेलवे रोड का रिकॉर्ड, जो पैसे हम बाहर के मुल्कों से भेजा करते थे, तो मेरा यहाँ पे अकाउंट था, मैंने दिखाया कि ये सर पैसे आए हैं, इस पैसे से मैंने पजीरो खरीदी है। बिल्कुल ठीक। ये अब कैसे हम समझ लें कि ये, तो मैं उस जमाने की नैब की बात कर रहा हूँ, अब तो नैब बड़ी जदीद हो गई है। अब तो नैब बड़ी जदीद होगी, हमारे टाइम का जो प्रोग्राम का टाइम जी वो बल्कि खत्म हो गया, ऊपर हो गया, आपसे बातें करते करते पता नहीं चला। बहुत सारे लोग हैं देखने वाले, आपकी जो अजमतों को सलाम पेश कर रहे हैं और आपके जो
सियासी वर्कर आपकी तरह होने की दुआएं मांग रहे हैं जी, और बड़ा आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जाने से पहले एक छोटा सा आखिरी सवाल है, उसके बाद टाइम खत्म हो गया है। जब आप मियां मोहम्मद नवाज साहब से मिलते हैं, हमेशा बड़ी शफकत से मिलते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे कहते हैं, पंजाबी में करते हैं, उर्दू में करते हैं, क्या कहते हैं, हमेशा छोटा सा कोई बताएं जैसे वो प्यार से मिलते हैं। मैं उन्हें हमेशा, एक तो देखिए जी मेरे लीडर हैं, मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है, और लीडर माँ बाप जैसा होता है, तो मैं उन्हें कैदी मोहतरमी के नाम से ज्यादा मुखातब करता हूँ। मियाँ साहब भी कभी हो सकता है कह दिया हो, लेकिन मैंने जब भी उनसे बात की है, जब भी उनसे मुखातब हुआ हूँ, तो मैंने उन्हें हमेशा कैदी मोहतरम कहा है। बिल्कुल जी, मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है, और वो वाकई हमारे भी कैद हैं, पाकिस्तान की आवाम भी उन्हें अपना कैद तस्लीम करती है। नहीं नहीं जी, वो आपसे प्यार, इंशाल्लाह ताला, जी 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 जी, इसमें कोई शक नहीं, इंशाल्लाह ताला वो अजीम कैद मुल्क में जरूर वापस आएंगे, और इंशाल्लाह वो कैद बांध के इस मुल्क की रहनुमाई करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया, हमें तारीख दिखाई, हमें बेगम कुलसूम नवाज साहबा के पूरे सफर सुनाए, मियां साहब के साथ आपकी चीजें, और सबसे बड़ी बात यह कि आप जिस तरह अपनी पार्टी के साथ डटे हुए हैं, एक टिकट ना मिलने के बावजूद जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मेरा रिश्ता नवाज शरीफ साहब से और पार्टी से टिकट के लिए नहीं है, ये एक आखिरी सांस तक का रिश्ता है। अल्लाह ताला की जात आपको जिंदगी सेहत दे, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों आपने देखा ये नजरियाती कारकुन आरफ खान संधीला साहब ने आपको कैसे बताया कि ये पार्टी के लिए खिदमात, और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आरफ खान संधीला साहब से प्यार। तो जो नजरियाती कारकुन होते हैं उनको ओहदों का लालच नहीं होता, वो बगैर ओहदों के अपनी पार्टियों के साथ चलते हैं, और वही लोग पार्टी का सरमाया होते हैं। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला की जात ये रमजान के महीने में इस वबा को हमारे सरों से टाले, अपने गिर्दो नवाह का जरूर लोगों का ख्याल रखें, ख्याल करें कि कोई इस रमजान के महीने में खाए पिए ना गुजरे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, कल होगी।